मेरे शॉपिंग का पहला आइटम है ये मशरूम जो मैं आज खरीद करके लाई हूँ। ये बहुत हेल्दी होता है, ये बटर मशरूम है, बहुत हेल्दी होता है और इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होती है। और मैंने पहले जिंक वाले वीडियो में भी आपको बताया कि इसमें हाई जिंक होता है, इजीली डाइजेस्ट होता है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये है जिंजर, मैं बहुत खाती हूँ तो मैं जिंजर हमेशा हाफ के जी जब भी लेती हूँ मेरा मंथ में 1 kg जिंजर जाता है, तो ये जिंजर है। इसके अलावा है ये, इसको केल बोलते हैं, ये बहुत हेल्दी लीफ माना जाता है, पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। तो ये मैं ये लेकर के आई हूँ, ये इतना मुझे 5 rupees का दिया, मैं थोड़ा ही लेती हूँ क्योंकि ग्रीन चीज़ है तो जब ये ग्रीन नहीं रह जाता है तो ख़राब हो जाता है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये पार्सली, इसके अलावा मैंने लिया है ये मिंट लीफ है, ये पेट के लिए इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, कोरिएंडर लीफ, देन आइसबर्ग लेटस ये सैलेड के लिए, ये मुझे बहुत पसंद है, ये बैगन है, ये बिग साइज, इसको मोस्टली ये बाहर ज़्यादा देखा गया है, इसको बाबा गनुश भी बोलते हैं इस तरह के बैगन को। तो ये वो वाला बैगन है, ये बहुत डिलीशियस होता है, इसका पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा है चेरी टोमेटो, चेरी टोमेटो के अलावा ब्रोकली, जो ब्रोकली फुल ऑफ प्रोटीन होता है, ग्रीन प्रोटीन जिसे कहते हैं, ये ब्रोकली में पाया जाता है, बहुत हाई प्रोटीन होता है जबकि ये वेजिटेबल है, और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन होने के बावजूद डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है इसके अंदर, तो बहुत बेनिफिशियल है, इसको लेना चाहिए, लेकिन यूरिक एसिड हो तो आप ये ना लें। पम्पकिन, ये पम्पकिन है, ये हाई आयरन, फुल ऑफ आयरन होता है, ये बहुत हेल्दी है स्टमक के लिए, जिनको भी अल्सर की प्रॉब्लम या कुछ होता है उनके लिए भी, वेट रिड्यूस के लिए बहुत अच्छा होता है पम्पकिन। इसके अलावा है ये मैंने स्पिनिच लिया, पालक है, एक बंडल लिया, ज़्यादा नहीं लिया है, और ये मैं मोस्टली दाल में खाती हूँ डाल करके। कहते हैं ये चीज़ होता है कि अगर आप कोई भी दाल बना रहे हैं और दाल में अगर आप पालक काट कर डाल दें तो दाल का बेनिफिट आप ज़्यादा उठा पाते हैं, पालक कन्वर्ट कर देता है दाल के कई बेनिफिट्स को। उसके अलावा मैंने ये एग प्लांट लिया है, ये बैंगन को एग प्लांट कहते हैं, ये मैं हमेशा रखती हूँ, 1 kg के करीब जरूर खरीदती हूँ मैं, बीच बीच में बनाती जाती हूँ 200 ग्राम के करीब, और ये ज़रूरी नहीं है कि इसका करी लगाऊं, ये मेरा कंप्लीट फूड का हिस्सा होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी हेल्दी होता है, काफ़ी हेल्दी होता है, लंबे वाले बैंगन से ज़्यादा हेल्दी होता है। इसके अलावा मैंने ये लिया है ग्रीन गार्लिक, गार्लिक हर तरह से हेल्दी है, ग्रीन लीफ गार्लिक भी बहुत हेल्दी होता है बॉडी के लिए और बॉडी एक के लिए जो फीमेल्स को प्रॉब्लम होती है। वेट रिड्यूस करने के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो है करी लीफ, करी लीफ आपको खाना चाहिए, करी लीफ से हेयर फॉल बंद हो जाता है, स्किन बहुत अच्छी हो जाती है, और प्लस आपका अगर वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट रिड्यूस भी होता है। इसके अलावा ये सैलरी है, ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल माना जाता है, ये नेगेटिव कैलोरी, वन ऑफ द नेगेटिव कैलोरी ग्रुप में है जिसके अंदर नेगेटिव कैलोरी होती है, जो कैलोरी आपने कंज्यूम किया है उसको भी ये कम कर देता है। इसको मैं सूप में यूज़ करती हूँ, कई बॉइल्ड वेजिटेबल में और सैलड में यूज़ करती हूँ, ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए ये मेरे पेंट्री में, वेजिटेबल पेंट्री में रहता ही रहता है। इसके अलावा जो आपके लिए काफ़ी स्ट्रेंज होगा वो ये है 1 kg ग्रीन चिली, ये ग्रीन चिली मेरे पास हमेशा रहता ही है, मैं ग्रीन चिली बहुत खाती हूँ, और इसको ड्राई करके और इसका पाउडर बना करके मैं अपने पेंट्री में रखती हूँ। तो ये ग्रीन चिली लिया है और ये 1 kg ग्रीन चिली मेरा 2-3 months ड्राई होने के बाद चलेगा। ये एक चीज़ है कटहल, कटहल बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल होता है, जैक फ्रूट, ये बहुत हेल्दी वेजिटेबल होता है, लोग इसका गुण नहीं जानते इसलिए नहीं खाते हैं। बेसिकली आपको इसकी भाजी हमेशा बनाकर फ्रिज में रखनी चाहिए और डेली खाना चाहिए। एक्चुअली ये इंस्टेंट कार्बोहाइड्रेट है, अगर आप वीक फील कर रहे हैं तो जिस तरह से मल्टी विटामिन आपको बेनिफिट देती है उसी तरह से ये कटहल भी आपको बेनिफिट देता है, तो कटहल आपके पास हमेशा होना चाहिए। जिनको भूलने की बीमारी होती है दिमाग में कि वो चीज़ें मेमोरी कर नहीं पाते हैं और बहुत जल्दी भूल जाते हैं, उनके लिए कटहल बहुत अच्छा है। अगर आप की एज ज़्यादा हो रही है और आप चीज़ों को याद नहीं रख पाते हैं तो आप रेगुलर बेसिस पे हफ्ते में एक दिन कटहल ज़रूर खाइए, इससे बहुत फ़ायदा होगा। दूसरा एक चीज़ ये है, ये शायद आपने ये देखा हो ना देखा हो,
मार्केट में वैसे मिल जाता है ये, लेकिन बहुत कम मिलता है। इसको कुंजक बोलते हैं, आप इसको गूगल करना। ये कुंजक की सप्लीमेंट कैप्सूल्स आते हैं मार्केट में, जो स्लिम होना चाहते हैं वो लोग इसको खाते हैं। ये एक तरह से थाई या मलेशियन या चाइनीज वेजिटेबल है, जो ओल की तरह होता है, यम की तरह होता है, बट यहाँ भी मार्केट में इजीली अब अवेलेबल है। इसकी सब्जी सेम उसी तरह से बनती है जैसे ओल की बनती है, यम की बनती है, अरबी की या कंदे की बनती है। उसी तरह से इसको छील के, बॉईल करके, फ्राई करके अच्छे से करी बना करके खा सकते हैं, जो कि बहुत हेल्दी होती है। इसके बाद हम आएंगे एक स्ट्रेंड वेजिटेबल पर, ये है आलू। ये आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं आलू ले रही हूँ और मैं ये कह रही हूँ कि इससे स्लिमिंग होता है, बट ये जो साइज़ का आलू, इसको आप देख रहे होंगे, ये काफ़ी बड़ा है। ये आप देखो, काफ़ी बड़ा आलू है। ये स्टार्ची पोटैटो है। जो बहुत बड़े आलू होते हैं उसमें स्टार्च बहुत होता है, और जो बहुत ज़्यादा स्टार्ची पोटैटो होते हैं वो वेट रिड्यूस करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसका फिंगर चिप्स नहीं खाना है या कटलेट नहीं खाना है, इसको बॉईल करके खाना है, या तो कोई और दूसरी रेसिपी या करी में आप बॉईल करने के बाद डालेंगे, फ्राई करके नहीं डालेंगे, तो यही पोटैटो आपको स्लिम कर देगा, या फिर ओवन में बेक करके खाइए। तो इसलिए मैंने ये पोटैटो लिया है, क्योंकि ये पोटैटो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उसमें पोटेशियम बहुत अच्छा होता है, फॉस्फोरस होता है। घुटने का अगर दर्द है तो आप पोटैटो जरूर खाइए, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आपको अगर यंग लुकिंग दिखना है तो स्टार्ची पोटैटो आपको बहुत खूबसूरत दिखाता है, तो ये बहुत एक बेनिफिशियल आपके वेजिटेबल कार्ट में ये होना ही चाहिए। इसके अलावा हमारा हो गया कॉलीफ्लावर, ये मैं लास्ट चीज़ दिखा रही हूँ। कॉलीफ्लावर अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो वेट रिड्यूस नहीं होने का सबसे बेसिक कारण कॉन्स्टिपेशन या एसिडिटी एकदम बेसिक रीज़न है, तो उस बेसिक रीज़न के लिए कॉलीफ्लावर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे पेंट्री में ये भी है। तो मेरे पेंट्री में ये चीज़ें हैं, और इसी तरह की ग्रीन चीज़ें मैं रखती हूँ, जो कि फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हो और प्रोटीन से भरा हो और काफ़ी हेल्दी हो, लीफी हो। अभी गर्मी का सीज़न आ रहा है, तो फिर मेरे फ्रिज पेंट्री, ग्रीन पेंट्री में ये भी बढ़ेगा, जो टिंडा है, लौकी है, तुरई है, ये सब चीज़ें भी बहुत हेल्दी होती है, जो दूधी होती है, ये सब चीज़ें भी खानी चाहिए। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। आप और भी हेल्थ बेनिफिट वेजिटेबल का उठा सकते हैं, और पेंट्री को अपने और टेम्पटिंग और कलरफुल बना करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।